बैतूल में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध शराब ठिकानों पर कार्रवाई की है, जहां पर अधिकारियों ने 5 ड्रमों में रखे हुए 550 किलो महुआ लहान नष्ट किए हैं। साथ ही 14 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। इसके अलावा इन मामलों में लिप्त 2 लोगों पर संयुक्त टीम ने मुकदमा कायम किया है। दरअसल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुनाहटी इलाके में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जहां अवैध शराब बनाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा भट्टियों और 5 ड्रमों में रखा हुआ महुआ लहान पाया गया। सोना घाटी के पार्टी थाने में वहाँ जहाँ अवैध शराब कच्ची काफ़ी मात्रा में बनाई जाती है, सूचना प्राप्त हुई थी, दबिश दी गई है। दबिश के दौरान आबकारी विभाग और पुलिस विभाग सभी दबिश के दौरान वहाँ पे 5 ड्रम में हमको महुआ लहान मिला है, कच्चा महुआ लहान, और एक जगह पे से कच्ची शराब बरामद हुई है। तो इसे विधिवत जब्त किया गया है, नष्टीकरण की भी कार्रवाई की गई है, और आबकारी विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से वैधानिक कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जा रही है।